जनपद के थाना कोतावली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विपिन मलिक दबिश में जा रहे थे कि बीच में दो शातिर बदमाशों से मुठभेड़ में अभियुक्त इब्रान सिद्दीकी कुशीनगर के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। इस मुठभेड़ में वरिष्ठ उप निरीक्षक विपिन कुमार के हाथ में चोट आई है। मौके से बदमाशों की 9 mm पिस्टल, 3 फायर की गई गोली तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त इब्राहिम सिद्दीकी पर जनपद देवरिया व कुशीनगर में विभिन्न गंभीर धाराओं के 8 अभियोग दर्ज है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा करते हुए विधिक कार्यवाही कराई जा रही है। घायल अपराधी को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस से भेजा गया है। मुठभेड़ शनिवार रात 10:30 बजे के आसपास हुई। थाना कोतवाली के पीपर पाती के पास SSI कोतवाली और इनकी टीम दबिश में जा रही थी, तो उधर से बदमाश इनको देखकर के हड़बड़ाए। जब इन लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो दो बदमाश थे, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दिया, जिसमें SSI कोतवाली के हाथ में इंजरी आई है और इन लोगों ने जवाबी फायरिंग किया, जिससे एक बदमाश उसके पैर में गोली लगी है, दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। मौके से मोटरसाइकिल मिली है, 9 mm पिस्टल मिला है और ये अपराधी जो पकड़ा गया है इब्राहिम खां, ये थाना कुबेर स्थान कुशीनगर का रहने वाला है। इसमें कुछ 8 मुकदमे हैं, 2 मुकदमे इस जनपद के भी हैं जिसमें ये पहले से वांछित चल रहा था। ये दुर्दांत अपराधी है और आज इसने जुर्रत की है, पुलिस के साथ मुजामत किया है, इसमें इसको गनशॉट। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए देवरिया से संदीप मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।